हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के समय डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना छोटा सा माइक होता है, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा दबाव नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको है ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए आखिरी काम ये करना है कि मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। यहाँ पर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे तो इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।